साइबर ठगों का दुस्साहस इतना बढ़ता जा रहा है कि अब पुलिस अधिकारी भी फेक आईडी बनाकर पैसे लूटने लगे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको रोकने में मित्र पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अब शातिर साइबर ठगों के निशाने पर पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं। ताजा मामला पुलिस के दो अधिकारियों का सामने आया है, जिनमें साइबर ठगों द्वारा लालकुआं पुलिस क्षेत्र अधिकारी का चार्ज संभाल रहे भूपेंद्र सिंह धोनी को निशाना बनाते हुए उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसों की डिमांड की जा रही है, जिसके लिए अधिकारी द्वारा अपने फेसबुक पर पोस्ट कर साइबर ठगों से सूचित रहने की अपील की जा रही है। यही नहीं, ठगों द्वारा लालकुआं कोतवाली के अंतर्गत हेल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज अजेंद्र प्रसाद को निशाना बनाते हुए उनकी भी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसों की डिमांड की जा रही है, जिसको गंभीरता से लेते हुए एसपी क्राइम देवेंद्र पिंचा ने कहा कि साइबर ठगी के मामले की तत्काल शिकायत की जाए, जिससे कि पुलिस और साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो सबसे जो मुख्य जो हमने क्राइम को जो चूज किया वो साइबर क्राइम ही है, क्योंकि साइबर क्राइम ऐसा क्राइम जिसकी रिपोर्ट एक तो कम होती है, साथ ही साथ में व्यक्ति ना चाहते भी कई बार ठगा जाता है, तो अलर्ट रहते हुए। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अलर्ट नहीं बल्कि एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। आपको अनावश्यक रूप से अगर कोई पैसा मांग रहा है या अनावश्यक रूप से कोई आपको लालच दे रहा है, तो आपको दोनों समय पे अलर्ट रहना होगा। साथ ही साथ में यदि अगर कोई आपके साथ घटना हो जाती है ऐसी कोई, तो तत्काल पुलिस को दे, क्योंकि अगर आप 48 आवर्स के अंदर में अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमारी साइबर सेल, हमारी जो साइबर टीम लगी है, वो पैसा को रुकवा सकती है, पैसे को वापस कर सकती है, उसके बाद में FIR पंजीकृत कर उनको पकड़ा भी जा सकता है। तो यदि हमारे पास सूचना आएगी, उतनी जल्दी हम एक्टिवली काम करना है। ये ओबियसली है कि ये जो फर्जी फेक फेसबुक आईडी, इसलिए कोई भी अगर इस तरह की मैं पहले का लालच में कोई मांग कर रहा है या कोई लालच दे रहा है, तो उसमें आदमी अलर्ट रहे, बिना वेरीफाई किए इस तरह के काम में आगे ना आए। आनाइन भारत के लिए उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट, लालकुआं।